नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज इस वीडियो में कि क्या आने वाले दिनों में केजीएफ स्टाइल का फिल्म मेकिंग ट्रेंड करने जा रही है या ट्रेंड कर रही है। इसके लिए हम आपको एक टीजर पहले दिखाते हैं, देखिए। इस टीजर को देखते ही आपको लग रहा होगा कि क्या मैं केजीएफ का टीजर या ट्रेलर देख रहा हूं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केजीएफ का स्टाइल है जो कि आपको एक क्षण में ये महसूस करा देता है कि आप केजीएफ देख रहे हैं। और यही मैं कहने जा रहा हूं इस वीडियो में कि क्या ऐसी चलन आने जा रही है। देखिए, इस फिल्म का नाम है कब्जा, जो इसी साल 2022 में रिलीज होने वाली है। लेकिन यह बिल्कुल अलग है केजीएफ से। केजीएफ का ना तो इसमें एक्टर है ना उसका कोई डायलॉग है, लेकिन इसका जो शैली है वो केजीएफ से मिलता जुलता है। इसमें जो एक्टर है वो यश से उम्र में ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन उसकी जो स्टाइल है, जो उसका पर्सनैलिटी को दिखाया गया है, वो यश से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं केजीएफ फिल्म देख रहा हूँ। जबकि केजीएफ का जो स्टाइल है ये बहुत पुराना है, ये हॉलीवुड से लिया गया स्टाइल है। बहुत पहले इसी तरह की फिल्में बनती थी, लेकिन उस दौरान इंडियन ऑडियंस को ऐसी फिल्में अच्छी नहीं लगती थी जो ज़्यादा डार्क हो। उनको अच्छी लगती थी कलरफुल फिल्में। लेकिन साउथ की कुछ फिल्मों ने इस तरह का ट्रेंड बनाना शुरू किया, जैसे पुष्पा ने भी किया है। उससे पहले की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें डार्क बैकग्राउंड को रखते हुए कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग पर शूट किया गया और लोगों को वो अच्छा लगने लगा। और केजीएफ ने तो इस पर माइलस्टोन को प्रेजेंट कर दिया कि भाई इस तरह की अगर कोई फिल्म है तो उसके आप केजीएफ स्टाइल फिल्म कह सकते हैं। तो केजीएफ 1 के बाद केजीएफ 2 को और बड़े लेवल पर उसी स्टाइल में बनाया गया। और अब जो भी फिल्में बन रही है काफ़ी हद तक इसी स्टाइल में बन रही है। अगर वो किसी गैंगस्टर से रिलेटेड हो या अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हो या कहीं पर फाइट हो या कुछ ऐसे इमोशन हो जिसे डार्क साइड में दिखाने पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसी तरह के स्टाइल में फिल्में बनेंगी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है आर चंद्रू जी, जिन्होंने राइटिंग का भी काम किया है। इस फिल्म को राइट करते समय ही उन्होंने सोच रखा था कि हमें फिल्म किस स्टाइल में बनानी है, और उनके दिमाग में जो जहन पे जो पहली स्टाइल आई वो है केजीएफ 2 की स्टाइल या केजीएफ की स्टाइल। तो उसके लिए उन्होंने उन लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि जो केजीएफ के साथ जुड़े हुए थे। सभी लोग तो नहीं उन्हें मिला, लेकिन जो भी लोग मिले उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हमें जो फिल्म बनानी है उसका जो लुक एंड फील देना है वो केजीएफ की तरह ही देना है। और इसमें उन्हें कोई शर्म नहीं है, नहीं इस फिल्म के जो अभिनेता है उपेंद्र, उन्हें कोई ऐसा लग रहा है कि भाई हम किसी का नकल कर रहे हैं। उनको बल्कि खुशी हो रही है कि मेरी तुलना उस फिल्म के साथ किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस फिल्म है। स्टाइल की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट डायरेक्शन की। इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर भी वही हैं जो केजीएफ 1 और 2 के हैं, यानी शिव कुमार। इन्होंने ही केजीएफ 1 और 2 के आर्ट डायरेक्शन में मदद की थी। मदद क्या की थी, आर्ट डायरेक्शन का काम किया था और प्रोडक्शन डिजाइनिंग की थी, यानी लुक एंड फील का पूरी जिम्मेदारी इन्होंने लिया था। और इन्हें जब पता चला कि हमें वैसा ही कुछ करना है तो उनके लिए ये बहुत कठिन नहीं था। और इस तरह के फिल्मों के जो आर्ट डायरेक्शन की शैली होती है उसमें क्या है, इस तरह की शैली में क्या है, फिल्म को डार्क रखा जाता है, कॉन्ट्रास्ट रखा जाता है, ग्रे एंड ब्लैक से ज़्यादातर खेला जाता है। और इसमें जो फ्लेम होते हैं, आग वगैरह होते हैं, या फिर लाइटिंग का यूज़ किया जाता है, वो टंगस्टन लाइट और पीला लाइट यूज़ किया जाता है जिससे वो पीरियोडिक फिल्म लगे। तो इस तरह से, अच्छा हाँ, कॉन्ट्रास्ट कलर की भी बात करेंगे तो इसमें जो कलर का भी यूज़ किया जाता है, ब्लड यूज़ करना हो या कोई रेड कलर का, ग्रीन कलर का, जो भी, वो कॉन्ट्रास्ट रखा जाता है, लेकिन उसको भी डार्क शेड दिया जाता है ताकि पूरी की पूरी फिल्म एक अलग ढंग से प्रेजेंट हो लोगों के सामने। इस तरह के शैली का दूसरा जो भाग है वो है सिनेमाटोग्राफी। इसमें अर्जुन शेट्टी ने सिनेमाटोग्राफी का काम किया है, और जबकि केजीएफ 1 और 2 में भुवन गोड़ा किए थे। देखिए, जब आप किसी चीज़ का नकल करने जाते हैं तो आसान होता है, नए ढंग से कुछ सोचना कठिन काम होता है। तो जब आपके सामने कोई माइलस्टोन रहता है, कोई इस तरह का एग्जाम्पल रहता है कि भाई आपको ऐसा बनाना है, तो आप अगर थोड़ा सा भी स्किल्ड पर्सन है तो आप उसे आसानी से कर ले जाते हैं। आपके पास कई और तरह तरह के नए नए आइडियाज आने लगते हैं कि भाई इस तरह से करना है तो ऐसा तो मैं कर ही दूंगा, और बल्कि इससे कुछ अच्छा कर सकता हूं। इसमें आपको करना क्या होता है, इस तरह की शैली, यानी जो केजीएफ स्टाइल का जो सिनेमाटोग्राफी है उसमें स्लो मोशन का यूज ज्यादा करना है। जहां पर भी आपकी फाइटिंग है, एक्शन है, किसी तरह का मोशन है, इमोशन है, उसको आप स्लोमो में शूट करिए। एडिटिंग के समय देख लिया जाएगा कि उसको क्या क्या रखना है। दूसरा, कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, यानी
प्रॉपर लाइट दे करके शूट नहीं करना है, कम से कम लाइट देना है और जहां जहां जरूरत है वहीं पर देना है। अगर कोई चीज डार्क आ रहा है तो आने दो, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मत दे दिखाई दे। और स्मोक का यूज करना, धुएं का यूज करना, जगह जगह पर धूल का यूज करना, डस्ट का यूज करना, इन चीजों को यूज करके उसे काफी डार्क बनाया जाता है। और तीसरा चीज है कि टंगस्टन लाइट का यूज ज्यादा करना है। टंगस्टन लाइट यानी पीला लाइट, येलो लाइट, या अगर आप कोई HMI यूज कर रहे हैं या पार यूज कर रहे हैं उस पर भी 85 फिल्टर लगा के आप जानबूझ के उसे पीला करते हैं, येलो करते हैं, टोन देते हैं। डे लाइट में भी टोन थोड़ा सा आप सीपिया में रखते हैं ताकि आपको पीरियोडिक जो फिल्म होती है यानी पहले के जमाने का वो लुक आ जाए। तो इन चीजों का ध्यान रख करके अगर आप सिनेमाटोग्राफी करेंगे तो इस तरह का काफी हद तक आप क्वालिटी दे पाएंगे। इस तरह के शैली के जो तीसरा पॉइंट होता है वो है साउंड एंड म्यूजिक। देखिए इस फिल्म यानी कब्जा का जो म्यूजिक दिया है वो है रवि बसूर जी, जिन्होंने KGF 1 और 2 में भी काम किया था, यानी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम किया था। तो इनके म्यूजिक में होता क्या है, इस तरह के शैली के म्यूजिक में होता क्या है, ये डार्क म्यूजिक देते हैं। जैसे जिस तरह से डार्क आप क्वालिटी दे रहे हैं पिक्चर में, उसी तरह से म्यूजिक में भी डार्क म्यूजिक देते हैं, बेस का ज़्यादा यूज करते हैं और जो गोलियों की आवाज़ है या कोई मेटेलिक साउंड है उसको काफ़ी, उसके टोन को काफ़ी हाई किया जाता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी पर उसका टोनल क्वालिटी रखा जाता है। तो बेस और टोन को इस तरह से सामंजस्य किया जाता है इसके मिक्सिंग में ताकि आपको कान में दोनों चीज़ें अलग अलग सुनाई दे और काफ़ी अच्छा लगता है, आपके दिल के करीब पहुँच जाता है वो साउंड। साथ में इसमें एक चीज किया जाता है वो है इंटरमीडिएट कट विथ टेल्स। इंटरमीडिएट कट क्या होता है, यानी एक म्यूजिक चल रहा है अचानक रुकता है और एंडिंग के समय एक टेल निकलता है। देखिए आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो आपने देखा कि किस तरह से इंटरमीडिएट टेल दे करके आगे निकलता है। इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी और बढ़ता है, यानी जो थ्रिल है वो और ज्यादा थ्रिल पैदा होता है। और साथ में एक बिट ये लोग देखते हैं कि कोई ऐसा बिट जो म्यूजिक के ऊपर चले और वो बिट कान के ऊपर ज्यादा आपको असर करे, यानी म्यूजिक के ऊपर ज्यादा हेवी होकर के वो बिट सुनाई दे। और साथ में कोरस, ऐसा कोरस जिसका आपको न तो मीनिंग समझ में आ रहा है न समझ में आ रहा है कि वो कोई कोरस है, बल्कि एक टोन की तरह लगता है। चाहे मेल कोरस का यूज किया जाए या फीमेल कोरस का, तो कोरस का यूज काफी किया जाता है, तो जिससे पूरा का पूरा म्यूजिक एक अलग ढंग से होकर के आती है। उस तरह के म्यूजिक के ऊपर आप कोई भी सिंपल वीडियो को भी प्रॉपर एडिटिंग करें ना और उसमें कलर ग्रेडिंग कर दें तो काफी अच्छा लगेगा। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और ये भी एक मुख्य कारण बनता है इस तरह की फिल्मों के सफल होने की। अब आते हैं एडिटिंग पर। इसके जो एडिटर हैं यानी कब्जा फिल्म का जो एडिटर हैं वो दीपू एस कुमार जी हैं, जो अलग हैं, यानी इन्होंने KGF 1 और 2 में किसी भी तरह का एडिटिंग में कोई मदद नहीं की थी या एडिटिंग नहीं किया था। लेकिन जब आप किसी का एडिटिंग देख लेते हैं, स्टाइल देख लेते हैं, तो उस तरह का स्टाइल को कॉपी करना आसान होता है। और इस तरह के स्टाइल में क्या चीज रहता है, पहला तो होता है ब्लैक इंसर्शन, यानी कई जगह पर आप बीच बीच में बिट के ऊपर ब्लैक देते हैं, यानी एक मूवी चल रही है, सिंपल चल रहा है, उसके साथ साथ आप ब्लैक का एक कट देते हैं, एक एक फ्रेम का, दो फ्रेम का या तीन फ्रेम का, मैक्सिमम तीन फ्रेम और मिनिमम एक फ्रेम का ब्लैक देते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा लगता है। और कई जगह पर जहां टेल ज्यादा लंबा रहता है, हमने जो बताया कि इंटरमीडिएट म्यूजिक जो स्टॉप होता है उसके साथ जो टेल रहता है, उस समय कई बार तीन तीन सेकेंड तक का ब्लैक दिया जाता है, एक दो तीन, उसके बाद फिर से हाई वॉल्यूम पर स्टार्ट करना। तो ये एडिटिंग का कमाल है और एडिटिंग इस तरह से करके थ्रिल को और ज्यादा इनहेंस किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि इस तरह की एडिटिंग में जो KGF स्टाइल का जो एडिटिंग है उसमें स्लोमो का यूज, फास्ट और स्लो करने का जो तारतम्यता होता है, यानी जो आप रैंपिंग करते हैं वो प्रॉपर होता है, तो इस तरह का रैंपिंग आप कई जगह पर कर सकते हैं। और साथ ही मैच कट, यानी एक सीन को खत्म करके दूसरे सीन में लाते समय जो मैच कट दिया जाता है, इससे भी आप किसी भी सीन को इंटेंस बना सकते हैं, काफी ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करना इस शैली में आता है, यानी KGF 2 या KGF 1 के शैली में आता है, KGF सीरीज के शैली में आता है। अब आते हैं विजुअल इफेक्ट पर। विजुअल इफेक्ट इनका काफी कमाल का होता है, लेकिन कठिन नहीं होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता इस तरह का विजुअल इफेक्ट पैदा करना। आपको देखकर लगता है कि यार कितनी बड़ी फिल्म है, लेकिन उतनी बड़ी बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम KGF स्टाइल में कोई फिल्म बनाए, तो जान लीजिए ये अपेक्षाकृत आसान है। देखिए कब्जा मूवी में जिस टीम ने
विजुअल इफेक्ट दिया है वो है यूनिफाई मीडिया की तरफ से। यानी यूनिफाई मीडिया एक कंपनी है जिसके साथ बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका विजुअल आर्ट का काम किया है। देखिए उनके लिए बहुत कठिन नहीं था क्योंकि उनके सामने फिर से एक सैम्पल वीडियो था, सैम्पल फिल्म था जिसको कहते हैं रेफरेंस के लिए, तो रेफरेंस फिल्म को सिर्फ कॉपी करना था। तो इसमें कंपोजिटिंग का काम बहुत कमाल का होता है। सिनेमाटोग्राफर के साथ वीएफएक्स सुपरवाइजर मिलकर के ये तय करता है कि हमारी जो वाइड एंगल के जो शॉट होंगे वहां कंपोजिट क्या क्या करना है। इसके लिए मैट पेंटिंग का बनाना और कंपोजिशन के लिए अलग अलग वीडियोस को क्रिएट करना इनका काम होता है। और इसको लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। इसे शूट करना, मैंने पहले भी कहा था कि केजीएफ 2 काफी महंगा बनाया, लेकिन अब जब उसको नकल करना होगा तो मुझे पता है कि कितना पोर्शन शूट करना है, कितना पोर्शन हमको वीएफएक्स के द्वारा अपग्रेड करना है, ये मुझे पता है। तो हमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती हमें मैट पेंटिंग पर, और विजुअल को जहां जहां हम कंपोजिट करेंगे उस पोर्शन में थोड़ा खर्च करने की जरूरत होता है। रेंडर भी आप रेंडर फॉर्म से कराएंगे तो रेंडर फॉर्म में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस तरह की रेंडरिंग में बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आप इसके साथ किसी भी बड़े वीएफएक्स जो फिल्म होता है, वीएफएक्स ओरिएंटेड फिल्म होता है, उसके साथ तुलना मत करिए, ये काफी सस्ता होगा। फिल्म अच्छी हो सकती है अगर स्टोरी अच्छा है, इमोशन को टच कर ले तो अलग बात है। तो विजुअल इफेक्ट पर भी आप काफ़ी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पर भी आप अच्छा से ट्राई कर सकते हैं अगर आप खुद बनाना चाहें तो। अब बात करते हैं रिलीजिंग की। रिलीजिंग को भी ठीक उसी तरह से रखा गया है जैसे केजीएफ 2 में किया गया, यानी कई भाषाओं में एक साथ रिलीज करना। हिंदी के साथ साथ सबसे पहले तो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, चारों साउथ इंडियन लैंग्वेज ले लिया, उड़िया रख लिया, मराठी रख लिया और हिंदी, तो 7 लैंग्वेज में इसे रिलीज़ किया जा रहा है। एक बात तो तय है कि अगर ये फिल्म कब्जा अगर हिट होती है, यानी पैसे कमा लेती है, तो इस तरह की फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी। बहुत सारे लोग हिंदी में और मेनली रीजनल लैंग्वेज में देखिएगा, चाहे वो पंजाबी हो, बंगला हो, भोजपुरी हो, या उड़िया हो, असमीज हो, नेपाली हो, इस तरह की कई फिल्में आ जाएंगी जो इसी तरह के कैटेगरी में, इसकी एडिटिंग होगी, सिनेमाटोग्राफी होगा, म्यूजिक होगा, इस तरह की कई फिल्में आ जाएगी। लेकिन इस फिल्म का हिट होना ज़रूरी है कब्जा का, इस पर लोगों का निगाह टिकी हुई है। लेकिन वैसे भी कई और लोग भी इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, और एक साथ देखिएगा 2022 के अंत तक इस तरह की बहुत सारी फिल्में आएंगी इस शैली की। ये बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं है, हाँ 2-3 साल तक इस तरह की शैली की फिल्में कुछ हद तक कामयाब रह सकती है, क्योंकि ये एक आपको अलग से थ्रिल देती है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, और इस तरह का कोई और भी नया थॉट अगर आपके दिमाग में हो जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। क्योंकि मैं जब इस चैनल पर वीडियो बनाता हूं तो ये नहीं सोचता हूं कि कौन सा वीडियो मेरा ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा वायरल होगा, कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि हर वो टॉपिक को मैं टच करूं जो फिल्म मेकिंग के लिए ज़रूरी है। नमस्कार।